हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए और बीकॉम फर्स्ट सेम का एक कंबाइंड सब्जेक्ट मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स का सिलेबस और पैटर्न। ये जो सब्जेक्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ करेक्ट आंसर को टिक करना होता है। टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे, हर करेक्ट आंसर के लिए आप लोग को 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में टोटल 9 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं। पहला हो गया मेन कंटेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा इंडियन पॉलिटी एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा हो गया मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ एजुकेशन एंड पेडागॉजी, ये मेनली जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट है ये। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सब्जेक्ट नंबर 5 हुआ। इंडियन सोसाइटी के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जियोग्राफी पढ़ना हम लोग का यहाँ पे इंडिया का। ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 7। सब्जेक्ट नंबर 8 हो गया लॉजिकल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये जो सब्जेक्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 9th हो गया कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये टोटल 9 सब्जेक्ट आप लोग का है, जिसमें से आप लोगों को कोई 5 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स ई, जिसमें से सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही आप लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स का एक सब्जेक्ट करवाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का करवाएंगे। ठीक है, मेन करेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड ह्यूमन राइट्स एंड मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो 5 सब्जेक्ट है इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, अब इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या होगा, जैसे जितने भी सब्जेक्ट है बाद बाकी उसमें इंटरनल असेसमेंट होता है, कॉलेज में सेशनल एग्जाम होता है, उसके हिसाब से 20 मार्क्स आप लोग को मिलता है। लेकिन इसमें कोई भी इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, मतलब आप लोग को जो पेपर मिलेगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और पेपर एग्जाम के बाद आप लोग से वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, उसमें आंसर लिखने का भी जगह होगा, आप लोग आंसर टिक कीजिए, उसके बाद पेपर फाइनली क्या कीजिए, कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम लोग का हो गया जो टोटल ऊपर 9 सब्जेक्ट हम बताए अलग अलग, उसमें से सिर्फ 5 ही आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो जो पहला 5 है उसी को चेक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो डिटेल, जो 9 अलग अलग सब्जेक्ट है उसका डिटेल कंटेंट क्या क्या पढ़ना है ये सामने आप लोग देख रहे हैं, और हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी ये अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेम के जितने भी सब्जेक्ट है उन सबका डिटेल सिलेबस हुआ, पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हुआ। ठीक है, पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था उसका पैटर्न, सोल्व क्वेश्चन पेपर, सभी का सभी आप लोग को हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पे और मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नोट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का, वो सब हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और हम लोग का चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोग को मिलेंगे जो आपके स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।